एक समय की बात है, एक संत महात्मा वो अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। जब वो स्नान कर रहे थे तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। वो काफी परेशान लग रहा था। जब राहगीर की नजर संत पर पड़ी तो वो रुक गया। उसने सोचा क्यों न मैं ये बात संत जी से पूछूं। वो इंतजार करने लगा कि कब संत जी नहा कर बाहर आए। थोड़े टाइम के बाद संत जी बाहर आए। राहगीर ने संत जी से कहा, संत जी मैं कुछ परेशान हूं। असल में मैं यहां पहली बार आया हूं और यहां पर अपना एक घर बनाना चाहता हूं, परंतु मुझे नहीं पता यहां के लोग कैसे हैं। कृपया करके आप मुझे बताइए। संत जी बोले, ये तो मैं अभी बता दूं, परंतु उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राहगीर बोला, हाँ पूछिए। संत जी बोले, ये बताओ जहां तुम पहले रहते थे वहां के लोगों का स्वभाव कैसा था। राहगीर बोला, संत जी पूछो मत, सबके सब कपटी थे, किसी को किसी की फिक्र नहीं थी, कोई किसी से प्यार नहीं करता था वहां। ये सुनकर संत जी बोले, बेटा यहां पर भी सभी लोग ऐसे ही हैं, सब के सब कपटी लालची ही हैं, सबको अपनी ही लगी रहती है, प्यार मोह नाम की तो चीज ही नहीं यहां पर। ये सब संत जी का एक शिष्य सुन रहा था। थोड़ा टाइम गुजरा ही था कि इतने में संत जी के पास एक और राहगीर आया। वो भी कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। संत जी ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। तब पता चला इस राजगीर की भी वही समस्या है जो पहले राजगीर की थी। उसने भी वही प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताइए यहां के लोग कैसे हैं। गुरुजी फिर वही कहा, बेटा पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राहगीर बोला, पूछिए गुरुजी। संत जी ने वही प्रश्न किया कि बेटा जहां तुम पहले रहते थे वहां के लोग कैसे थे। राहगीर बोला, गुरुजी वहां के लोग बहुत अच्छे थे, मैं वहां से आना नहीं चाहता था, परंतु काम की वजह से यहां आना पड़ा। वहां सब लोग प्यार से रहते थे, सब एक दूसरे की फिक्र करते थे। ये सुनकर संत जी बोले, बेटा यहां पर भी सब लोग ऐसे ही हैं जैसे वहां पर थे। ये सुनकर राजगीर खुशी खुशी चला गया। पास खड़े शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये क्या था, आपने दोनों राजगीरों को अलग अलग कहा यहां के लोगों के बारे में। गुरुजी ने बोले, बेटा जो जैसा सोचता है वैसा ही पाता है, ये अपना अपना सोचने का नजरिया होता है जिसको हम चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं। ऐसे ही कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।